जय यीशु परमेश्वर के नाम से हम आपका स्वागत करते हैं। इस दिन आज हम पढ़ेंगे प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 42 पद संख्या 1। सुनी हुई बातों को दूसरों से कहना और रहस्य प्रकट करना, इस प्रकार तुम सच्ची लज्जा का अनुभव करोगे और सब में लोकप्रिय होगे। निम्नलिखित बातों को लज्जाजनक मत मानो और लज्जाजनक लोक लज्जा के कारण पाप मत करो। मेरे भाई और बहनों, परमेश्वर का वचन आज हमें एक सीख दे रहा है कि हम जो भी करते हैं सोच समझ के करना। जब हम पढ़ेंगे हर एक चीज हमें परमेश्वर जो सिखाता है वो हमारे भलाई के लिए ही है। मेरे भाई और बहनों, जिस प्रकार हमने कल पढ़ा कि परमेश्वर के शब्द जो हमें सिखाया जाता है उसके अनुसार करना है, आज भी हमें यही सीख मिलता है। तो हम जो भी चीज करते हैं मेरे भाई और बहनों, वो मायने रखता है। क्योंकि जिस प्रकार हम दो दिन पहले पढ़े थे कि हमारे ऊपर एक नाम जुड़ा गया, वो नाम यीशु नाम है। तो हमें परमेश्वर ने बनाया गया है उसकी महिमा देने के लिए, हमें बनाया गया उसके कार्य के अनुसार कार्य करने के लिए। क्योंकि हम पूर्ण हृदय से वो कार्य पे हम काम करते हैं, कि हम पूर्ण हृदय से परमेश्वर के लिए अपना टाइम निकालते हैं। क्योंकि मेरे भाई और बहनों, हम बचपन से ही क्रिस्ती है तो उसका हम फायदा उठा लेते हैं। अरे आज नहीं, हम कल करेंगे, ये संडे नहीं, अगले संडे ये नहीं, आलसीपना हमारे अंदर आ जाता है। परमेश्वर का वचन रेवलेशन में कहता है, अगर तुम ठंडे रहोगे मैं तुम्हें अपने मुंह से थूक। हमें परमेश्वर के लिए हमेशा गर्म रहना, उसके कार्य के लिए हमेशा तैयार रहना। क्योंकि जब हम उसके कार्य के लिए तैयार है, जब हम उसके लिए कार्य करेगा, वो हमारे लिए कार्य करने से पीछे। इसलिए उसका वचन कहता है कि तुम एक कदम मेरी ओर लो, 99 में तुम्हारी ओर लूंगा। एक कदम पाप की ओर हमेशा आसान है, क्योंकि वो एक कदम 99 कदम के अनुसार। एक कदम भलाई की ओर हमेशा कठिन होता। तो क्या मेरे भाई और बहनों, हम अपने हृदय को पूर्ण रूप से परमेश्वर के लिए तैयार किए? इस समय हम अपने आंखों को बंद रखकर अपना पूरा ध्यान परमेश्वर की ओर। हे पिता परमेश्वर, सुंदर दिन के लिए धन्यवाद देते, सुंदर वचन के लिए धन्यवाद देते। हर एक चीज परमेश्वर हमारे जीवन में जो भी हो तेरे से ही आया और तेरे द्वारा ही आए। हम प्रार्थना करते परमेश्वर, इस सुबह तेरे वचन जो हमने सुना है परमेश्वर, हमारे हृदय में पूर्ण रूप से मास बने और पूरे दिन में परमेश्वर उस वचन के अनुसार हम कार्य कर सके। हर चीज परमेश्वर जो हमने कहा है, जो हमने सुना है आज, वो परमेश्वर हमारे हृदय में मास बनने दे और पूरे दिन उस पर मन चिंतन करते हुए अपने जीवन को पूर्ण रूप से तेरे हाथों में। और यही प्रार्थना परमेश्वर इस सुबह तेरे नाम से हम मांगते और कबूल करते हैं। आमेन। जय श्री।